नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विथ आलोक में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। हो सकता है कई सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समय पोस्टिंग पे हों, अपनी ड्यूटी निभा रहे हों, तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्त आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपने सहपाठियों को, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपकी सेहत सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है इस हमारे लिए, आपके घर वालों के लिए और सबके लिए। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में बताया था, कई लोगों ने कई सारे कमेंट किए थे डेट को लेकर, थोड़ा उसमें टाइपिंग एरर हो गया था, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1841 जो था वो 1814 हो गया था, और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 था वो 1857 हो गया था। जो टाइप करते हैं उनसे गलती होती है, गलती खैर उसमें मेरी भी थी, मुझे वो चेक कर लेना था, मैंने भी गो थ्रू किया पर वो ध्यान पे नहीं आया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। खैर अब ऐसी गलती नहीं होगी, लोग गलतियों से ही सीखते हैं। तो आज की क्लास जो है वो भी एक ट्रिकी क्लास है, जिसमें कांग्रेस टॉपिक उठाए हैं। जनरली आपके बैच में, इस लेखपाल के बैच में क्या है कि कांग्रेस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हो सकता है सवाल बन जाए, क्योंकि हर टॉपिक में क्या कहते हैं, ये कहना कि यहाँ से सवाल यहाँ सवाल आएंगे तो ऐसे आप थोड़ा कंफ्यूज आएंगे। आपको पढ़ना चाहे सारी चीज़ें, चाहे एक सवाल आए, चाहे चार सवाल आए, चाहे 4000 सवाल आए, कहाँ से आएंगे ये किसी को नहीं पता, इसलिए हमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। कांग्रेस छोटा सा टॉपिक है, बढ़िया सा ट्रिक के साथ हम कांग्रेस के आपके सब महत्वपूर्ण अधिवेशन याद करवा देंगे। उसके साथ साथ क्या है कि आप जो है बढ़िया सा नोट्स बना लीजिएगा और ट्रिक को लिख लीजिएगा। और कांग्रेस से सवाल, जैसे 3-4 सवाल जुड़े हुए वो आते हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, उसके साथ साथ ये पूछा जाता है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, गांधी ने कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये तमाम प्रकार के सवाल आते हैं। खैर इनसे सबसे पहले मुद्दा ये उठता है कि भारत में कांग्रेस आया क्यों, कांग्रेस आने का रीजन क्या था, क्या अंग्रेज हमारे समर्थन में कांग्रेस लाए, क्या अंग्रेज हमारे भले के लिए कांग्रेस लाए, या अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस लाए। ये तमाम प्रकार के सवाल उठते हैं हमारे मन में कि जब हम ये सोचते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में ये पार्टी लाई गई। मुद्दा ये है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक, किसान आंदोलन, उसके साथ साथ क्या कहते हैं जनजातीय विद्रोह हो रहा था, ठीक है, और क्या कहते हैं 1857 का विद्रोह हुआ था, छोटी छोटी पार्टियों का गठन हो रहा था, और यही नहीं भारत जो था वो क्रांतिकारियों गढ़ के साथ साथ बुद्धिजीवी वर्गों का भी समूह बन चुका था। इस समय बहुत ज्यादा ही पढ़े लिखे लोगों का विकास हो रहा था, लोग बाहर जा जाके परीक्षा, जैसे सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1864 में ब्रिटेन जाकर परीक्षा टॉप किया, तो लोग भारत के साथ बाहर भी जाकर अपनी प्रतिभा को दिखा रहे थे। तो इस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन ने यह सोचा कि क्या कहते हैं कि अगर भारत में इसी प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियां और राजनीतिक व्यक्ति बढ़ते गए तो आगे चलकर हमारे लिए दिक्कत होगी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना भारत में कोई ऐसी चीज लाई जाए जिससे ये आपस में ही लड़े और हम आराम से बैठकर नजारा देखें। ये हम भारत वालों की पुरानी आदत है, अन्यथा मत लीजिएगा, हम हमेशा नई चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं और हम उसके लिए ही सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। यही रीजन है कि 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारत में एक राजनीतिक पार्टी है जिसे कांग्रेस के नाम से जाना गया, ठीक। जनरली जब कांग्रेस के जो क्या कहते हैं संस्थापक थे, महासचिव थे, वो थे एओ ह्यूम, जिन्हें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से जाना जाता है। इनके नेतृत्व में भारत में जब कांग्रेस आई तो उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया। तो एक एक बातों को लिखते चलते हैं, आप समझते चलिए। भारत में कांग्रेस कब आ रही है, 1885 में, इस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था, क्लियर, कौन वायसराय था, लॉर्ड डफरिन था। हमने क्या कहा कि भारत में तमाम गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी लाई गई जिसे कांग्रेस के नाम से जाना गया। मुद्दा यह है कि भारत में अंग्रेजों ने भले अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस लाया, लेकिन बाद में
ये इन्हीं का काल बन गया। इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में कांग्रेस लाना, अपने पैर पर अंग्रेजों ने कुल्हाड़ी मार ली। यही नहीं, गांधी ने यह भी कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं आजकल हर चीजें राजनीतिक मुद्दे बनते हैं। अगर राजनीतिक पार्टी ना होती तो शायद इतने मुद्दे बनते ना, या एक या दो पार्टी होती तो उसी में इंसान खुश रहते। लेकिन कुछ हद तक अंग्रेज जो यूरोपीय थे ये सफल भी हुए, जैसे नरम दल गरम दल का विभाजन, गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी में मतभेद। इन तमाम चीजों के बावजूद भी कांग्रेस ने ज्यादा सहायता जो की वो यूरोपियों की नहीं, भारतीयों की, क्योंकि जगह जगह अधिवेशन होने लगे, लोग जगह जगह जाकर अधिवेशन की अध्यक्षता करने लगे, गांव में, शहरों में, अलग अलग राज्यों में। वो आम जनता से रूबरू होने लगे, आम जनता की बातों को खुद तक, खुद की बातों को आम जनता तक पहुंचाने लगे। इसीलिए जो भी विद्रोह या आंदोलन चलाए जाते उसके प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पारित होते, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे विद्रोह एक आंदोलन और ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, जो कि भारत की स्वतंत्रता का एक रिजल्ट हुआ। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि भारत में कांग्रेस किसके शासनकाल में आया था, तो आंसर होगा लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है, मुद्दा यह उठता है। कांग्रेस शब्द का अर्थ जनता का समाज या जनता का समूह होता है, याद रखिएगा। ठीक, भारत में कांग्रेस के सचिव एक रिटायर्ड, हम सारी चीजें इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर हम लिख नहीं पाते हैं, एक रिटायर्ड यूरोपीय आईसीएस ऑफिसर थे, जो भारत में अभी आईएएस है, पहले इसको आईसीएस के नाम से जाना जाता था, इसकी परीक्षा ब्रिटेन में होती थी। रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को बनाया गया। किसको बनाया गया? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, जिनको हम एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब भारत में कांग्रेस आया तो उस समय कांग्रेस का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। तो आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि भारत में कांग्रेस का नाम बदलने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यक्ति थे जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यही नहीं, इन्होंने सर्वाधिक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किसने सर्वाधिक, कई लोग जवाहरलाल नेहरू को कहेंगे लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। सर्वाधिक बार अध्यक्षता 3 बार इन्होंने भी किया था और 3 बार नेहरू ने भी किया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी, लेकिन क्रेडिट दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप अपने डाउट को क्लियर रखिएगा। तो भारत में कांग्रेस डफरिन के शासनकाल में आया और इसके सचिव एक यूरोपीय रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को बनाया गया। लेकिन जब भारत में कांग्रेस आया तो इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था और दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। और सर्वाधिक बार इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए। मुद्दा क्या है कि कांग्रेस का जो ये अधिवेशन था, पहला अधिवेशन,
ये पुणे में होने वाला था, ठीक, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया। भाई प्लेग फैल गया तो अधिवेशन हो नहीं सकता, जैसे कोरोना एक वैश्विक महामारी है, हर दिन संक्रमितों की संख्या, मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार भारत में प्लेग भी एक बहुत बड़ी महामारी थी। तो हमने क्या कहा कि पहला जो अधिवेशन था वो पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां पर प्लेग फैल गया जिसके कारण कांग्रेस का यह अधिवेशन बंबई में हुआ। तो आपसे कभी पूछा गया कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां होने वाला था, तो पहला अधिवेशन पुणे में होने वाला था, परंतु प्लेग फैलने के कारण, समझिएगा, परंतु प्लेग फैलने के कारण यह अधिवेशन बंबई में हुआ। कहां हुआ? बंबई में। इसीलिए कभी भी आपसे पूछा गया कि भारत में कांग्रेस सभा का गठन कहां हुआ था, तो हमेशा आपका आंसर हो जाएगा बंबई। तो कभी भी किसी ने आपसे पूछा कि भारत में कांग्रेस सभा का गठन कहां किया गया, तो आपका उसका आंसर आएगा बंबई में। तो पहला अधिवेशन जब पुणे में था तो वहां प्लेग फैल गया, नहीं हुआ अधिवेशन, बंबई ट्रांसफर हो गया। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में बहत्तर प्रतिनिधियों के साथ, पहले अधिवेशन में केवल 72 मतलब 72 प्रतिनिधियों ने ही हिस्सा लिया था, 72 प्रतिनिधियों के साथ व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ, ठीक। तो कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव हो गए एलन ऑक्टेवियन ह्यू, कांग्रेस के अधिवेशन के पहले अध्यक्ष हो गए व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? 72 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस सभा का गठन कहां हुआ? बंबई में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कहां हुआ? तो बंबई में हुआ। पहला अधिवेशन हो गया तो इसके बाद जगह जगह कांग्रेस के अधिवेशन होने लगे। उन अधिवेशनों का एक ऐसा सा फ्लो चार्ट बनाए हैं, पहले आपको हर अधिवेशन के बारे में बता देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रीजनिंग सॉल्व करके ट्रिक से सारे अधिवेशन आपको याद करा देते हैं, ठीक। देखिए, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन अभी मैंने बताया 1885 बंबई में हुआ है व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। इसका महत्व तो क्या था कि इसी समय आईसीएस की परीक्षा क्या जो भारत में आयोजन की मांग की गई थी, जो मैंने अभी आपको बताया क्या था आईसीएस, जिसको अभी हम आईएएस के नाम से जानते हैं। महत्व तो भी जो है, महत्व तो क्या कहते हैं, आप जब कॉलम बनाइएगा तो ऐसे ही बनाइएगा सन, स्थान, अध्यक्ष और महत्व, और ऐसे लिखते चलिए। इसलिए हम दूर हट के पढ़ा रहे हैं ताकि आप अपने कॉलम को, अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहिए। दूसरा जो देखिए क्रम जरूरी जरूरी अधिवेशन लिखा रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्या कहते हैं अधिवेशन हुआ, वो 1887 में हुआ, ठीक। कहां पर हुआ? मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, आप यही याद रखिएगा। यह अक्सर पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ठीक। उम्मीद करता हूं आप लिख लिए होंगे। अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो 1888 का है। कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में। किसकी अध्यक्षता में? जॉर्ज यूले के। तो ये जो थे ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि
कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष तो ब्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी, पहले यूरोपीय अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। अगला जो था वो 1889 में बंबई में हुआ विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में प्रथम बार महिलाओं ने हिस्सा लिया। ठीक, मतलब इसके पहले जो अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के उसमें कहीं पर भी महिलाओं ने हिस्सा नहीं लिया था। तो आपको पूछा जाएगा कि कांग्रेस के कहां के अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने हिस्सा लिया, तो बंबई के अधिवेशन में। यह आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के अधिवेशन में जब महिलाओं ने हिस्सा लिया तो उस समय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम वेडरबर्न ने। अगला जो है वो 1890 कलकत्ता में हुआ था फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में। इसकी खास बात यह है कि कादंबरी गांगुली ने संबोधित किया था, मतलब पहली बार कोई कांग्रेस का अधिवेशन था जो किसी महिला के द्वारा संबोधित किया गया। इसके पहले के जितने भी अधिवेशन थे सब में संबोधन पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन 1890 का अधिवेशन पहला अधिवेशन था जिसमें अधिवेशन को संबोधित किसी महिला ने किया था। और सरकारी अधिकारी के भाग लेने पर रोक, जैसे सरकारी नौकरी करने वाले नेता नहीं बन सकते हैं, तो इसकी जो मांग थी शुरुआत थी वो 1890 से हो गई थी। उम्मीद करता हूं लिख लिए होंगे, आगे चलते हैं। अगला जो था वो था 1896 में कलकत्ता में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्ला। कौन थे? रहीमतुल्ला। खास बात क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था। तो आपको ऐसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, तो 1896 के अधिवेशन में। यह आपसे पूछ सकता है कि कहां के, मतलब वंदे मातरम कांग्रेस के जिस अधिवेशन में गाया गया उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आपका आंसर हो जाएगा रहमतुल्ला ने। अगला था 1901 कलकत्ता, जिसके अध्यक्ष थे दीनसा वाचा, और पहली बार गांधी ने इसी अधिवेशन में हिस्सा लिया था। मैं आपसे कह रहा हूं आप ये मत कमेंट करने लगिएगा सर गांधी इस समय अफ्रीका में थे। नहीं, गांधी गए थे लेकिन गांधी बीच में भारत आए भी थे कुछ दिन के लिए अपने संपूर्ण परिवार को अफ्रीका ले जाने के लिए, याद रखिएगा। तो कभी पूछा गया कि गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिया, अध्यक्षता नहीं, अध्यक्षता तो केवल एक ही अधिवेशन का किया है उन्होंने 1924 बेलगांव की। किस गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हिस्सा लिया, तो 1901 में कलकत्ता में दीनसा वाचा के उसमें। अगला जो था महत्वपूर्ण अधिवेशन वो 1905 में बनारस में था, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। 1905 में एक खास बात हुई थी, हमने आपको अपने सेकंड वीडियो में बताया था कि इसी समय बंग भंग आंदोलन चल रहा था, मतलब बंगाल विभाजन। तो बंग भंग की निंदा की गई कि भाई बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। अगला जो महत्वपूर्ण है 1906 कलकत्ता, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और इसी अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। फिर 1911 कलकत्ता, विशन नारायण धर थे जिन्होंने राष्ट्रगान गाया, मतलब 1896 के अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया और 1911 में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया। 1912 बांकीपुर था, इसके जो थे अध्यक्ष रघुनाथ मधोलकर थे और इन्होंने ही इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया था। हम चाहते तो ये बात आपको पहले ही बता सकते थे कि कांग्रेस का पिता किसे कहा गया, लेकिन हम नहीं बताए क्योंकि हम आपको अधिवेशन के साथ बताना चाहते थे। तो ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है या ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया 1912 के अधिवेशन में, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 1917 एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक, और तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। तो हमेशा याद रखिएगा कि
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हमेशा याद रखिएगा एनी बेसेंट थी। अगला जो है 1924 बेलगांव, इसमें गांधी ने हिस्सा लिया, यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो 1924 का बेलगांव का अधिवेशन था। अगला है 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू, ये द्वितीय महिला अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। एनी बेसेंट भारतीय महिला नहीं थी, सरोजनी नायडू भारतीय महिला है। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। अगला था 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू, संपूर्ण स्वराज की मांग की थी। इस अधिवेशन की क्या खास बात है कि इसी अधिवेशन के बाद 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया, रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक, तो कभी भी आपको पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस को मनाने का निर्णय कब लिया गया, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को, जिसे आप रिपब्लिक डे कहते हैं। और इसी समय लाहौर अधिवेशन के बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा फहराया था, इसको लिख लीजिएगा। अगला है 1931 कराची, सरदार पटेल, मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव तथा आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित। जरूरी नहीं आपके लिए, पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, आपके लेवल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। 1934 बंबई, राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। ठीक है, आप जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है आपको हम बताते चल रहे हैं। अगला है 1937 फैजपुर, ठीक, जवाहरलाल नेहरू, प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का वह प्रथम अधिवेशन कौन है जो गांव में हुआ, तो 1937 फैजपुर का अधिवेशन है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस का सर्वप्रथम गांव अधिवेशन है, याद रखिएगा। 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र ने राष्ट्र नियोजन समिति का गठन किया था। 1939 त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस, और इसी में इसी समय क्या हुआ था कि गांधी चाहते थे कि उनके प्रिय शिष्य पट्टभी सीतर मैया इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें, लेकिन पूर्ण बहुमत से जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो गांधी ने लिखा था कि मुझे बेहद दुख है कि मेरे प्रिय शिष्य नहीं जीते, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस जी ने यह सोचा कि आगे चलकर विचारों में मतभेद ना हो, उन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। और 1946 में मेरठ में भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी, और भारत की स्वतंत्रता के बाद उसी अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। हमेशा याद रखिएगा कि 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दिया तो भी इस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की, और 1946 में क्या हुआ कि भारत की स्वतंत्रता के समय मेरठ में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया था, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अब यहां पर मैं आपको कुछ खास बात बताना चाहता हूं, जो यहां पर मैंने लिखा नहीं, वो क्या है समझ। 1907 में
सूरत में ताप्ती नदी के किनारे, ध्यान समझिएगा, ताप्ती नदी के किनारे राज बिहारी घोष की अध्यक्षता में, बोस नहीं होंगे, घोष होंगे, राज बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस दो दलों में बट गया, नरम दल और गरम दल। तो कभी भी पूछा गया कि कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ, तो 1907 में हुआ और यह अधिवेशन सूरत में ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस क्या हुआ, दो दलों में बट गया। लेकिन ज्यादा दिन तक ये नहीं चला, 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और जिसमें नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हो गया। तो ये तो बहुत लोग जानते होंगे कि कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ, तो 1907 में। लेकिन कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का विलय कब हुआ, तो आप याद रखिएगा 1916 लखनऊ में हुआ था। क्लियर, लिख लीजिए। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। ट्रिक इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद करना ना पड़े। आपने अपना चार्ट बना लिया होगा, जान रहे हैं उम्मीद करता हूं। अब उस चार्ट में देखिए, हमको नहीं, उस चार्ट में देखिए और ट्रिक समझिए। 1890 से बता रहे हैं, जो ट्रिक आपको हम बता रहे हैं वो 1890 से बता रहे हैं। और एक चीज और आपको हम बता रहे हैं कि केवल कलकत्ता के अधिवेशन के बारे में हम कह रहे हैं। अरे 1885 व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष तो कर ही लिए थे आप, 1887 बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, 1888 जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। अब 1890 से हम आपको ट्रिक में बता दे रहे हैं जो जरूरी है आपके लिए। और फिर से मेंशन कर रहा हूं, केवल कलकत्ता के अधिवेशन के बारे में बात कर रहा हूं, केवल कलकत्ता के अधिवेशन के बारे में। तो जो था पहला 1890, इसमें फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे, फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे और कादंबरी गांगुली ने संबोधित किया। 90 में 6 जोड़िए 1896 होता है, इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह थे और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। फिर इसमें 5 जोड़िए 1901 दिनसावाचा गांधी ने हिस्सा लिया था। फिर इसमें 5 जोड़िए 19, सब कलकत्ता के अधिवेशन है, मैं फिर से कह रहा हूं कलकत्ता के अधिवेशन है। दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का उल्लेख हुआ था। फिर इसमें 5 जोड़िए 1911 बीएन धर राष्ट्रगान गाया गया। कुछ याद आ रहा है चार्ट में, अपना चार्ट देखिए समझिए। 1890 फिरोज शाह मेहता, कलकत्ता का अधिवेशन था, कादंबरी गांगुली ने संबोधित किया। 1896 जोड़े 1896 रहमतुल्ला, कलकत्ता का अधिवेशन था, वंदे मातरम गाया गया। 1896 में 5 जोड़े 1901 दिनसावाचा गांधी ने हिस्सा लिया। 1901 में 5 जोड़े 1906 दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता का अधिवेशन था, स्वराज शब्द का प्रयोग।
फिर पांच जोड़े 1911 बीएनधर राष्ट्रगान गाया गया। शुरू में कितना जोड़े थे? बिल्कुल सही, छह। लास्ट में भी छह जोड़ दीजिए। 1917 एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो 6+5+5+5+6 लिख लीजिए इसको। चलिए अब महिलाओं, 1917 तक पहुंच गए हम लोग। 1917 में महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। अब यहां महिलाओं को याद करा रहे हैं, तीन महिलाओं जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उनको ट्रिक से याद करा रहे हैं। इसमें आप आठ जोड़ दीजिए, 1925 होगा। कानपुर किसने हिस्सा लिया? सरोजनी नायडू ने। और फिर इसमें आठ जोड़, 1933, ये चार्ट में नहीं इसलिए यहां बता दे रहे हैं, कलकत्ता नलिनी सेन गुप्ता, जो कि तृतीय महिला अध्यक्ष थी। यही तीन महिलाओं ने अध्यक्षता की थी 1917 एनी बेसेंट, आठ जोड़ने के बाद 1925 कानपुर सरोजनी नायडू, फिर आठ जोड़ने के बाद 1933 कलकत्ता नलिनी सेन गुप्ता। क्लियर, यही तीन जो थी महिलाएं थी। और उसके पहले कलकत्ता के अधिवेशन थे जिसमें प्लस छः प्लस पाँच प्लस लास्ट में छः जुड़वाया था, और इसमें प्लस आठ जुड़वाए थे। कुछ और खास बातें आपको बता देते हैं, कई लोग हैं जो इस वीडियो को देखते हैं जो लेखपाल ने और भी एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे, उसमें ये होगा कि कांग्रेस के बारे में किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है, ठीक। तो उनके मत हैं जो हमने लिखा है आपको हम बता देते हैं। कांग्रेस के बारे में लोगों के मत, ऐसे ही हेडिंग लगा लीजिएगा। डफरिन ने कहा है, यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। देखिए लेखपाल में हो सकता है कि ये लाइन ना पूछा जाए, मेरी बात समझिएगा, ठीक, हो सकता है, लेकिन पढ़ के रखिए, एग्जाम के लेवल का कोई भरोसा नहीं है वो क्या पूछते। दूसरा है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, ठीक। इसको करजन ने कहा है, और करजन ने ये लाइन के साथ साथ कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन भी कहा है। क्या? कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, इस लाइन को भी करजन ने कहा है। और करजन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन भी कहा है। उसके बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस को वास्तव में डफरिन की उपज माना है। कभी भी पूछा जाएगा कि कांग्रेस वास्तव में डफरिन की उपज थी, ये किसने कहा, तो आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप लिखते रहिए। अगला है, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। इसके साथ एक और लाइन है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्र मेले की संज्ञा दी गई, इसको लाला लाजपत राय जी ने कहा है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व योजना थी, ठीक, इसको आरसी दत्त ने कहा है। ये वाली लाइन बहुत जरूरी है, बाल गंगाधर तिलक जी वाली, कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम इसलिए बोर्ड से हटे हैं ताकि आप लिख लीजिए, कई लोग लिखने की शिकायत करते हैं, ठीक है। तो यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसको बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। याचना संस्था और भिखमंगी नीति कांग्रेस को बिपिन चंद्र पाल ने कहा है, और अश्विनी कुमार दत्त ने इसे तीन दिनों का तमाशा कहा है। तो ये प्रमुख इतिहासकारों के मत हैं जो उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा। लेकिन मैं आपसे बार बार कहूंगा, आप अधिवेशनों को याद करिएगा, लेखपाल की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो उसमें केवल पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कांग्रेस सभा का गठन कहाँ हुआ, पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले यूरोपीय अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष,
उसके साथ साथ गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, और सबसे लास्ट में सबसे पहला गांव अधिवेशन, ठीक है। और अगर और जानना चाहते हैं तो आप बैच में क्लासेस चल रही हैं, हमारे बैच से जुड़िए। जैसा कि एक बात और ज्यादा बता देता हूं, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद जी थे, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले भी कौन थे, अबुल कलाम आजाद जी थे। ये लाइन आप लिख सकते हैं कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता किसने की थी, अबुल कलाम आजाद ने की थी। तो जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि संस्था में क्या है, हमारे लेखपाल बैच प्रारंभ क्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, ठीक है। कई लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं हजारों की संख्या में, सब बैच में पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप भी हमारे बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारी संस्था के मेंबर बनना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टेक्ट करिए, आपको जल्द से जल्द सूचित किया जाएगा और संस्था से जोड़ दिया जाएगा। इन सब बातों के अलावा मेरी तरफ से संस्था को अलग, मतलब संस्था तो है ही, ये संस्था से जुड़ेंगे ही, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, सफलता असफलता ये सब में आती रहती है, लेकिन उससे भी सबसे बड़ी बात मैं आपके लिए कहूँगा कि जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा, जिंदगी है तो जहाँ है, बाकी सेहत का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।